आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसी भी बाइक में एलईडी इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो है, मैंने भी बनाए। आज का टॉपिक ये नहीं है, आज के वीडियो में नया ये है। अगर आपके पास ओल्ड बाइक है, स्प्लेंडर बाइक है, अगर आपके पास एक्टिवा स्कूटी है, या फिर आपका ऐसा बाइक है कि थ्रॉटल घुमाने से आपका हेडलाइट का पावर कम ज़्यादा होता है, कैसे समझ में नहीं आया, मैं आपको दिखाना चलूँ। तो वैसे देखो ये ओल्ड बाइक, इसके हेडलाइट चालू है, थ्रॉटल में घुमाऊंगा और इसका मतलब हेडलाइट देखो कम ज़्यादा हो रहा है। जितना भी थ्रॉटल में घुमाऊंगा उसका आपका बाइक का हेडलाइट ज़्यादा होता है। देखो अभी कम है, थ्रॉटल घुमाता हूँ, कम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा बाइक है, इसमें अगर आप एलईडी इंस्टॉल करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, बट उसको आपको बाइक को डीसी करना पड़ेगा। अब डीसी अगर आप करोगे तो आपका बाइक का बैटरी छोटा होता है इस बाइक का, किसी बाइक का मतलब जो एसी बाइक होता है। अब डीसी करने के लिए आपको बाइक को बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन देना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, एलईडी तो काम कर जाएगा बट आपका बैटरी जल्दी वीक हो जाएगा। अगर आपका स्प्लेंडर है, एक्टिवा है, या फिर एचएफ डिलक्स है, छोटा छोटा बाइक है, तो उसमें क्या होगा, बैटरी छोटा रहता है, उसमें आपका लोड नहीं ले पाएगा और आपका बैटरी डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आपको कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है, सिर्फ आपका 20 रुपीज़ खर्चा होने वाला है। हाँ जी, 20 रुपये में आपका किसी भी बाइक में जिसमें ऐसा सिस्टम आता है उसको आप एलईडी में कन्वर्ट कर सकते हो। बाइक का जो ये वाला लाइट है आप किसी भी बाइक पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, एलईडी किसी भी देख सकते हैं, ये H4 का सॉकेट है। तो और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी बाइक में 20 रुपये खर्चा करके एलईडी कन्वर्शन कैसे करें, बैटरी कनेक्शन बिल्कुल हटाओ, झमेला वगैरह कुछ भी नहीं करना है, फिर भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो आज मेरा सेकंड चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक क्लिक करो, वहाँ पे मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। वहाँ पे मैं टिक्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, जैसे गूगल मैप कैसे यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या आपको सेटिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मैं उस चैनल पर डालता हूँ। मेरा जो सेकंड चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक क्लिक करो, वाला चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा उस चैनल पर जल्दी, क्विक जाओ सब्सक्राइब करो। सो गाइस, कुछ आपको ये वाला चीज़ का रिक्वायरमेंट है, इसे कहते हैं डायोड, और आप इसी डायोड के यूज़ करें। यह है 6 एम्पियर का डायोड्स, इसका चार लेना है आपको, 1, 2, 3, 4, और इसको आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाना जानते हो तो हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बिल्कुल ईजी है। सो कनेक्शन करने के लिए पहले आपको सिर्फ 2 डायोड लेना है, और जो व्हाइट वाला पार्ट है आपस में मिला देना इस तरीके से, देख सकते हो, और जो 2 व्हाइट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से कनेक्शन कर दीजिए, इस तरीके से आप इस टर्मिनल को एक साथ कर दीजिए। तो ये हमारा कनेक्ट, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल इजी है। देखो ये वाला कनेक्शन हो गया, 1, 2, 1 साथ मैंने जोड़ दिया, तो इसको आपको साइड में रखना पड़ेगा। जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको नहीं करना है, जो ब्लैक वाला पार्ट है और इसका ब्लैक वाला पार्ट, इसका जो टर्मिनल है एक साथ आपस में इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। कनेक्शन आपको समझ में आ गया, तो इसको हम कर देते हैं इस तरीके से, इसको बेंड कर देते हैं, तो कनेक्शन हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, देख सकते हैं। और ये इसका जो 2 पार्ट है, इसका जो 2 पार्ट है, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, कैसे भी, तो उसको आपको ऐसे जोड़ देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इससे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। आप वायरिंग डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देख लो, इसी तरीके से आपको वायरिंग डायग्राम करना है। देखो आप वायरिंग डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देख लो, इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। तो इससे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये बन के तैयार हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। अब आपको ये वाला जो 2 पार्ट है देख सकते हैं, इसमें आपको जो एसी कनेक्शन है, ये वाला 2 पार्ट एसी देना है, और जो ये वाला पार्ट है दोनों व्हाइट है, देख सकते हैं दोनों व्हाइट है, इसमें आपको बैटरी का पॉजिटिव और ये वाला पार्ट इसको नेगेटिव। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन बिल्कुल लाइव करके दिखा देता हूँ। इसी से आपका बाइक का हेडलाइट AC to DC हो जाएगा। आप कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो बट कोई ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा। तो चलिए कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसका कनेक्शन 2 तरफ से हो सकता है, एक है आपका हेडलाइट में और दूसरा है आपका बाइक का स्प्लेंडर बाइक है, एक्टिव बाइक है, सीट ओपन करना है, उसमें आपको रेगुलेटर रेक्टिफायर फाइंड करना है। इसके इसमें देखो रेगुलेटर रेक्टिफायर ये रहा, और इसमें देखो इसमें भी ये वाला कपलर, इसमें ये वाला वायर है जिसको हमको डिटैच करना पड़ेगा, और ये जो रेगुलेटर रेक्टिफायर है इसको आप साइड में कर दीजिए। जो ये वाला कपलर है इसको इसमें ये वाला कनेक्शन करना है। देखो इसमें जो 2 येलो वायर कनेक्शन है, मतलब जो AC वाला कनेक्शन है, उसका एक लेके और जो नेगेटिव है ये वाला, इसको आपको आपस में कनेक्ट कर देना है, और इसमें हमको नेगेटिव मतलब जो चैसिस से नेगेटिव आता है उसको आपको देना है। मैं आपको चले और भी डिटेल में बता देता हूँ। देखो ये वाला कनेक्शन आप देख रहे हो, बिल्कुल इजी है। 2 तो ये वाला वायर हो गया, इसको आपको ये वाला जो नेगेटिव है, ठीक है, इसमें आपको आपस में जोड़ देना है, और ये आपका हो गया बैटरी का ग्राउंड से जोड़ दीजिए, और ये आपका हो गया पॉजिटिव का, और ये आपका एसी का। चलिए
मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो एक और रह गया है देख सकते हैं, इसको आपको इसमें जो ये वाला वायर है ये वाला, इसको आपको बीच से कटिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो जो वायर आ रहा है वायरिंग हार्नेस से, उसमें जो येलो कलर का वायर है उसको आपको बीच से कटिंग करना है इस तरीके से, और एक तो छील देना है, मतलब दोनों तरफ छील देना है। इसी में कनेक्शन हो जाएगा और आपको हेडलाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला कनेक्शन ईजी होता है। हेडलाइट खोल के भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो देखो ये वाला वायर, ये तो आपका रेक्टिफायर में जा रहा है, ठीक है, इस तरह ये वाला वायर तो रेक्टिफायर में जा रहा है, और ये वाला वायर आपका सीधा हेडलाइट में जा रहा है, ठीक है। तो जो हेडलाइट में जा रहा है उसमें हम ये वाला जो पॉजिटिव है, ये जो इसका बेस रेक्टिफायर इसका पॉजिटिव है ये वाला, इसको हमको इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो वायर है जो रेक्टिफायर में जा रहा है, रेक्टिफायर में जा रहा है, तो जो बचा हुआ ये वाला वायर है उसको हमको ये इसमें दे देंगे। सिंपल कनेक्शन है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या होगा, एसी कनेक्शन आया इससे, डायरेक्ट इसमें नहीं गया, आया इसके थ्रू प्योरीफाई हुआ और वो रेड वायर के थ्रू आपके हेडलाइट में चलाएगा, तो आपका हेडलाइट डीसी हो गया। अब ये वाला जो दो वायर है जिसका हमने ज्वाइन किया था आपस में, एक है येलो इस साइड वाला और एक है आपका इसका नेगेटिव, उसको आपको मतलब इसी का ग्राउंड में देना। इसमें ग्राउंड में क्या है देखो, अगर आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी है तो इसमें आपका ग्रीन कलर होगा, बजाज की गाड़ी है तो इसमें ब्लैक पर येलो, ये वाला वायर में आपको देना है। अगर आप नहीं पता है कुछ भी तो आपको कोई भी नट वगैरह चैसेस में इस तरीके से जोड़ के इसको अटैच कर देना है, मतलब ग्राउंड कर देना है, तो वो काम कर जाएगा। मेरे पास ब्लैक पर येलो वायर है ये वाला, तो ये नेगेटिव का होता है, सो हम इस तरीके से दे देंगे, ठीक है, और इसको जैसे था वैसे लगा देंगे, बस कनेक्शन आपका हो गया और कुछ भी नहीं करना है। तो ये कनेक्शन हो गया और इसको इसको आप टेप कर दीजिए, इसको आप टेप कर दीजिए, इसको आप इसको भी आप टेप कर सकते हो, तो आपको कनेक्शन हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है और, ठीक है। अभी आपका बाइक डीसी मतलब एसी कनेक्शन था, इसमें आप एलईडी इंस्टॉलेशन हेडलाइट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एलईडी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ हेडलाइट में कि इस काम कर रहा है कि नहीं, ये वाला छोटा सा 20 रुपये वाला डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला H4 एलईडी देख सकते हैं, अब इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें अगर लगाओगे ना ये वाला एलईडी तो कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डीसी हो चुका है, तो बैटरी के थ्रू नहीं हुआ है, हमने कनेक्शन किया है, जैसे था वैसे लगा दीजिए और आपके एलईडी इंस्टॉल हो गया। इसको मैं साइड में रखता हूँ इस तरीके से। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये मैंने चाबी ऑन किया, इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर तरीके से एलईडी इंस्टॉल कर रहा है, मैंने बैटरी का कनेक्शन भी नहीं किया है, बिल्कुल बहुत ब्राइट है देखो, और इसमें पासिंग वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। ये वाला तो आपका डिपर है, देखो पासिंग काम कर रहा है, पासिंग काम कर रहा है, और आप पासिंग हो गए तो भी काम करेगा, और आपका बाइक आप अगर ड्रेव करोगे इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा। देखो और आप इस तरीके से आप हेडलाइट में लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो। और ये आपका देखो हेडलाइट लग गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, पासिंग वगैरह सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइक में एलईडी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं विदाउट बैटरी कनेक्शन, और ये कनेक्शन बिल्कुल सिक्योर है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल पासिंग वगैरह सब कुछ काम करेगा। देखो पासिंग है आपका ये वाला जवाया, सब कुछ A to Z, और इसको बाइक बंद करेंगे बंद हो जाएगा। तो ये वाला कनेक्शन अगर करोगे ना तो बैटरी से कोई लोचा नहीं है, बाइक स्टार्ट होगा आपका एलईडी जल जाएगा, बाइक स्टार्ट होते ही आपका एलईडी जल जाएगा, आप स्विच से कनेक्शन कर सकते हो। तो ये वाला इंस्टॉलेशन आपको कैसा लगा, वो वाला जो कनेक्शन मैंने दिखाया ना वो आप हेडलाइट में भी कर सकते हो। हेडलाइट में क्या है आपको ये वाला देख सकते हैं, ये वाला कपलर फाइन करना पड़ेगा, और इसमें देखो ये वाला वायर होगा, देखो ये वाला ये वाला वायर हो ना, इसमें के अंदर कटिंग करके वो वाला सेम कनेक्शन करना है। तो इस तरीके से आप किसी बाइक में एलईडी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वो बिल्कुल 20 रुपये मतलब फ्री में बोल सकते हो। सो इस तरीके से आप इस डिवाइस की मदद से किसी भी बाइक में एलईडी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आप इसके बिना इसमें एलईडी लगाओगे डायरेक्ट तो आपका एलईडी कट जाएगा, 5-10 मिनट के बाद ही कट जाएगा। और आपको पता है कि एलईडी का प्राइस मिनिमम 200-400 रुपये तो होता ही है, और नॉर्मल बल्ब का कितना प्राइस होता है 70-80 रुपये, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर वो कट गया ना एक बार तो भाई फिर से परचेस करना पड़ेगा।
इस हिसाब से आप ये वाला डिवाइस लगाओ, देखे देख सकते हैं, तो आपका एलईडी कटेगा नहीं, और आपका बाइक का डीसी करने की जरूरत नहीं है, बैटरी में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 मिनट का काम है, करो और आपका एलईडी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम में जाओ, मुझे मैसेज करो। अगर आपके कोई सा ही बाइक है मुझे फोटो खींच के भेजें, मैं आपको कनेक्शन लाइव आपको बता दूंगा। तो ये वाला करो और मजे लो। सो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।